नमस्ते। आज फिर से चाय बनाते बनाते थोड़ा चर्चा करते हैं। साधकों को कभी कभी बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल एटीट्यूड रहता है, खुद के बारे में भी बहुत ज्यादा विचार करते हैं और दूसरों को भी बहुत ज्यादा जज करते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारे धर्म के मार्ग पर जो भी आए हुए हैं, वहां पे हमें पता ही है कि कहते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सारा नहीं होनी चाहिए। तो खुद के बारे में भी कि हाँ, खाने के ऊपर अभी भी लालच क्यों है मुझ में, क्यों नहीं जाता, क्या स्वाद है नहीं है, इसके ऊपर मेरा ध्यान क्यों जाता है, या फिर क्रोध के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा क्रोध को मैं अभी भी ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे जो जो ज्यादा जज करते हैं, सिर्फ ऐसे साधकों के लिए मेरा इतना ही कहना है कि बहुत ज्यादा खुद को आप क्रिटिसाइज मत कीजिए, या दूसरे साधकों को देख के भी बहुत जज मत कीजिए। आप कितना ही सोच लो, जड़ से कोई भी जो वीकनेसेस है, जो भी हमारे कमियां हैं, ये जड़ से आप खत्म नहीं कर सकते विचार करके। आप कितना ही सोच लो कि भाई हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट केक मुझे बहुत पसंद है, पर अगर सामने आ जाए तो मुझे बहुत ही खाने का मन करता है, ये नहीं होनी चाहिए, पर जितना ही आप सोच लो, ये फिर भी आपको होगा ही होगा। ये या फिर क्रोध को भी लेके कुछ हो गया तो उसी समय उस परिस्थिति में क्रोध आपको आ ही जाएगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने रेक्टिफाई करने की बहुत कोशिश में आप सोचोगे कि नहीं, थोड़ा तो होता ही है, रेक्टिफाई हो सा है, थोड़ा हम इम्प्रूव करते हैं, वो इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो सप्रेशन है, उसको आप खाली दबा रहे हो, अंदर वो रही गया, आपका अंदर से वो गया नहीं। लोहा पारस मणि को छूने पर ही सोना हो जाएगा। लोहा उसके पहले तक चाहे कितना ही आप विचार कर लो, वो लोहा ही रहेगा, पर एक बार पारस मणि के साथ अगर छू लिया आपने पारस मणि को, तो आप सोना हो गए। वैसे ही आप आध्यात्मिक मार्ग में आप अग्रसर होते जाएंगे, धीरे धीरे आपके कमियां सब वैसे ही चले जाएंगे। ये विचार करके, खुद को सप्रेस करके, बहुत दूसरों को जज किया, खुद को भी क्रिटिसाइज किया, ऐसे से कोई मतलब नहीं है। तो अपना ध्यान का प्रणाली, जो भी आपका अगर दीक्षा हो गया है, तो जो भी आपको ध्यान का प्रणाली मंत्र मिला है, अगर दीक्षा नहीं भी हुआ है, तो जो मंत्र या ध्यान का प्रणाली आपको अच्छा लगे, उसी को ही आप जाप कीजिए, उस ध्यान का प्रणाली को आप फॉलो कीजिए, उस मंत्र को आप जाप कीजिए, अपने आप ही जो इम्प्रूवमेंट होना है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे, अपने आप ही लोहा सोना होता जाएगा। धर्म, ये मेडिटेशन टेक्निक, ये मंत्र जाप, ये सारे टेक्निक ऐसे हैं, धर्म की ये मार्ग ऐसा है कि इवोल्यूशन जो है वो अपने आप होता ही जाता है, स्वतः होता जाता है। तो आप आपके कमियों के ऊपर ध्यान ना देके, आपके गुरु के ऊपर और भगवान के ऊपर संपूर्ण भरोसा करके, आप बस अपने मार्ग पर आप आगे बढ़ते जाओ और खुद ही आप परिवर्तित हो जाएंगे। उसको लेके व्यथित होने का या चिंतित होने का कोई कारण ही नहीं है। तो वही है, दूसरों को भी जज ना करें, खुद को भी ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें, जो भी कमियां हैं अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। हरिओम हरिओम।